The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Immune system jo aapka hai. Immune system aapki immunity aapko bachane ke liye hai. So aapka bachav aapke bahar se aane wale kisi bhi bacteria, virus, koi bhi foreign object, substance, कोई भी हार्मफुल चीज़ जो आपके अंदर आती है उससे बचाने के लिए है. तो इसके लिए बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी है. ये बात याद रखिए, जितने भी बॉडी के अंदर आने वाली चीज़ें होते हैं उसके ऊपर कुछ इंडिकेटर्स, एंटीजेंस होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं बंदा, ये कहाँ के. आप जैसे कोई इंसान दिख गया तो आप पहचान लेंगे, लेकिन कोई अजीबोगरीब प्राणी दिख गया तो हम बोलेंगे ये तो कहीं और से आया. सेम वे कि हमें तो पता चल जाएगा ये इंसान है, ह्यूमन है या कोई एलियन है. सेम वे बॉडी को पता चल जाता है कि ये कोई हमारे इंटरनल ऑर्गेनिज्म है, ये तो कोई एलियन आ गया, राइट. सो हमारे यहाँ तो हमें रोज़ाना एलियन देखने को नहीं मिलते, लेकिन बॉडी को रोज़ एलियन देखने को मिलते हैं. लिटरली रोज़ उसको एलियन एलिमेंट्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस देखने को मिलते हैं, फंगाई देखने को मिलते हैं रोज़. और उन सबको वो पहचानता है उसके लुक्स के, उसके ऊपर के एंटीजन से, उनके टॉक्सिन से, उनके रेमिनेंट जब उनको मार देते हैं उनके पीसेस से. तो उन सब के लिए बहुत सारे टाइप की इम्यूनिटी है. नंबर वन इम्यूनिटी आपकी इननेट इम्यूनिटी. इननेट मतलब जो पैदाइशी इम्यूनिटी है आपके अंदर, जो बचाव वॉल है, जो सीमाएं बना रखी हैं हमने, जैसे घर के अंदर दीवार है, फेंस है हमने बना रखी है, वैसे आपके शरीर ने बाहर से चमड़ी है आपकी, आपकी स्किन है जो बाहर से चीज़ों को नहीं आने देती, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन है आपके गले में, आपके नाक में जो डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ लेती हैं, गले में म्यूकस है, सांस की नली में म्यूकस है, वो म्यूकस उसको पकड़ने के लिए है, डस्ट को पकड़ने के लिए. कफ रिफ्लक्स है, कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ अगर गले में फंसने लगती है तो खांसी आ जाती है. ये सारे आपकी इननेट. आपके स्टमक के अंदर एसिड है जो पेट में अगर कुछ चला जाए बैक्टीरिया तो वो वहीं मर जाए. तो ये सब इननेट इम्यूनिटी है. आपके इवन आपके आंखों में, आपके आपके बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जो ऑयल आता है ना उसमें भी एंजाइम्स हैं आपको बचाने के लिए, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट. आपके सलाइवा में एंजाइम्स है बचाने के लिए, राइट. सो ये इननेट इम्यूनिटी है नंबर वन. सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी, अगर मान लो इन सबको क्रॉस भी कर गया कोई बैक्टीरिया वायरस, तो अब सेकेंड इम्यूनिटी यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब आती है जब आप किसी बायोबैक्टीरिया, वायरस, फंगाई किसी के पाले पड़ते हो, उसको मार देते हो, उसको मार देते हो और फिर उसके रेमिनेंट से एक इमेज बना, देख लो इसको, अपने फौजियों को, अपने अपने इम्यून सेल्स को बताओ, देख लो इस तरीके के प्राणी होते हैं, इस तरीके से दिखे. जैसे मान लो आपके अंदर आ रहे हैं कुछ बाहर के लोग तो आपको पता चल जाएगा ये ज़्यादा हार्मफुल है, ये कम हार्मफुल है, वैसे ही उसके दिख जाते हैं, देख के बताते ये एंटीजन है, इसके ऊपर ये तरीके के बंदे दिखे, इस तरीके के लोग दिखे, देखते ही मार दो. तो दिस काइंड ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी बॉडी डेवलप करती है आफ्टर आप एक्सपोज हो जाते हैं किसी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया के ऊपर के एंटीजन से. एंटीजन से ही उसको पहचानते हैं, बॉडी उसके खिलाफ बनाती है एंटीबॉडीज, राइट. एंटीबॉडीज क्या करती हैं, आपके ब्लड में घूमती रहती हैं थोड़ी बहुत और मेमोरीज बना लेती हैं आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर टाइप के एंटीजेंस की, कि अगर कहीं भी कोई भी बॉडी के किसी भी बॉडी के इम्यून सेल को वो एंटीजन दिख गया, वो एंटीबॉडी दिख गया नया आते हुए, तो वो अलार्म पूरी बॉडी में आ जाता है, घपा घप उसके खिलाफ के एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाते हैं. उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी. यानी एक बार इम्यूनिटी उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद जो सेकेंडरी इम्यूनिटी आती है ना, कि भाई हाँ आपके अंदर वो एंटीबॉडीज है, और यही चीज़ आपके अंदर होती है पैसिव इम्यूनिटी, आपके अंदर क्रिएट होती है वैक्सीन से. वैक्सीन क्या करती है, आपके अंदर नहीं आया आज तक कोई भी, मान लीजिए स्वाइन फ्लू का वायरस नहीं आया, आप बचे हुए हो, स्वाइन फ्लू नहीं हुआ आपको आज तक निपा वायरस नहीं गया आपके अंदर, कोई ख़तरनाक वायरस नहीं गया, लेकिन आपने वैक्सीन ले ली. वैक्सीन में क्या है, उसी वायरस के अंदर का मरा हुआ पार्टिकल, उसी वायरस के अंदर का एक मरा हुआ पार्ट, प्रोटीन, एंटीजन, वो क्या करेगा आपकी बॉडी में जरा सा इन्फ्लामेशन करेगा और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को याद, ये चीज़ होती है भाई, अगर ये आपके अंदर आ गया तो उसको ख़त्म करना है निस्तो नाबूद. तो फिर उसके बाद अगर आपके अंदर स्वाइन फ्लू का वायरस आया, फिर उसके बाद आपके अंदर निपा वायरस, ऐसा कोई भी खतरनाक वायरस आया, तो आपकी बॉडी उसको अच्छे से मार पाएगी, लड़ पाएगी, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. ऐसा नहीं कि नई बॉडी में आएगी ख़त्म, ऐसा नहीं होता.
तब भी करेगी नुकसान वो, लेकिन कम, तो वो आपके लिए बेहतर है, राइट? दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये होता कैसे है? ये होता है आपके ब्लड के सेल्स से। ब्लड में WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? उसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स वो है जो उस सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स वो है जो डायरेक्टली जाके उस सेल्स को पकड़ के उसको मार देते हैं। उसको मार के टी लिम्फोसाइट्स मार के बी लिम्फोसाइट्स को देते हैं, लो भाई इसको समझो क्या चीज है, ये डाइसेक्ट करो और इसके अंदर के समझो, इसके इसको आइडेंटिफिकेशन बनाओ, राइट? इसके फिंगरप्रिंट्स लो, वट एवर इट इज, जिसको भी जो भी समझ लीजिए आप, बेसिकली उसके अंदर मेमरीज बना लेते। तो बी लिम्फोसाइट्स में मेमरी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एंटीबॉडीज, ब्लड में छोड़ देते हैं, और टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, ये है खतरनाक आपके कमांडोज। उसके अलावा पुलिस वाले भी हैं आपके शरीर में, नेचुरल किलर सेल्स, माइक्रोफेजेस और छोटे मोटे डिफेंस सिस्टम। सो बहुत सारे टाइप के आपके अंदर डिफेंस ऑर्गेनिज्म, डिफेंस सेल्स हैं, और इन सारे डिफेंस सेल्स जब भी एक्टिवेट होते हैं तो इन्फ्लामेशन करते हैं। वहीं पर जहां भी ऐसी कुछ सिस्टम हो रहा है, जॉइंट में, बॉडी में, स्किन में, लिवर में, पेट में, बॉडी में, आंख में, चमड़ी में, डजंट मैटर, वहां पर वो केमिकल सिक्रीट करेंगे, वहां केमिकल से वहां लालपना आएगा, सूजन आएगी, पेन होगा, रूबॉर, कैलोर, पैलोर, डैलोर, वो सब चीज़ें जो भी हमने मेडिकल कॉलेज स्कूल में पढ़ी थी, अगर कोई डॉक्टर है तो समझेगा, उस सब होता है वहां पे। और फिर वहां पे इवन पस भी बन सकता है, पस बनता है क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स आके बैक्टीरिया को मार देते हैं कई बार, और वो मरे हुए बैक्टीरिया पस बन जाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं पस बन के तो सब मर गए, उस जगह जहाँ मर गए तो पस बन जाता है, स्किन मरा हुआ, बैक्टीरिया मरा हुआ, सब मरा हुआ मिलता है तो पस बन जाता है, ज़्यादा बैक्टीरिया हो तो पस बन जाता है, और ज़्यादा वो हो तो भी वो हो जाता है, पस फिर निकाल देना पड़ता है, या फिर बहुत कम हो तो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये इम्यून सिस्टम है, ये रोल है इम्यूनाइजेशन का। अगर इम्यूनाइजेशन नहीं करते हो तो फिर भी ऐसा नहीं कि आपकी इम्यून सिस्टम उसको मार नहीं पाएगी, मार पाएगी, लेकिन इम्यूनाइजेशन से आपकी इम्यून सिस्टम और स्ट्रांगली बहुत अच्छी तरह से उसको टैकल कर पाएगी। ये फायदा है इम्यून सिस्टम इम्यूनाइजेशन का। तो इसलिए इम्यूनाइजेशन जिसकी मिले करा लेनी चाहिए, जिस भी बैक्टीरिया वायरस उसके खिलाफ इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेड है आपकी उम्र, आपके एज वाइज उसको करा लेना है। उसके लिए आप अपने फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर से बात करें, वो बताएंगे आपको इम्यूनाइजेशन के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में। आई होप दिस इज यूजफुल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट डाउन, एज यूजुअल वी विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू सो मच।